जड़ सुख के पीछे भागते हैं लोग, तो वो तो पूरा पढ़ने वाला नहीं है किसी को। महात्मा गांधी कहते थे कि देर इज इनफ इन यूनिवर्स फॉर एवरीवन्स नीड, बट यूनिवर्स कैन नॉट सेटिस्फाई एनीवन्स ग्रीड। आवश्यकता सबकी पूरी होती है, इतना सृष्टि में है, लेकिन लालच है तो एक के लालच को भी सृष्टि पूरी नहीं पड़ती। जड़ सुख के पीछे भागने वाले लालची हो जाते, क्योंकि और जड़ सुख तो अभी है, एक एक मिनट के बाद चला जाएगा। अभी आप जी भर के रसगुल्ले खा लो, इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। रसगुल्ला अच्छा लगता है, 50-60 खा लिए, दिन भर भोजन नहीं किया, कल सुबह उठ के कल का है क्या रसगुल्ला कहीं रखा, ऐसा पूछते हैं। कल तो खाया, कल खाया, लेकिन आज फिर से चाहिए, तो लालच बढ़ाता है, वो पूरा पड़ता नहीं। उसके चलते लोग चाहे जो करते हैं, वही अगर सर्वोच्च माना जाए तो बाकी सब गौण हो जाता है। और इसलिए संयम का उपदेश दिया। महाश्रमण जी को एक बार सुन रहा था, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अहिंसा और संयम, ये भगवान महावीर के सिख के दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। श्रमण परंपरा में महावीर जी ने ये जो तत्व दिए हैं, अनेकांतवाद हो, स्यादवाद हो, ये हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते, आगे बढ़ना सिखाते हैं, सबको अपना बनाना सिखाते हैं, और अपने ऊपर संयम रखते हुए जड़ पदार्थों के परे जाकर वास्तविक जो शाश्वत सुख है उसका निदान जहां है वहां पहुंचाते हैं। वो क्या है, कैसे है, इसके वर्णन के बारे में अलग अलग सब हो सकता है, लेकिन वो जो कुछ है वो एक ही है।